हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कविता। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट उड़द दाल की कढ़ी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने छिलके वाली और बगैर छिलके वाली दोनों दाल लिया है, 100-100 ग्राम दोनों हैं। इसको अच्छे से साफ करके ही हम भिगाएंगे। अब हम भिगाएंगे पानी में, एक भगोने में। इसको हमने आधा लीटर पानी लिया था, इसको हम भिगा देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। ये देखिए, ये छिलके वाली दाल है, इसको भी अब हम भिगाएंगे। फिर हम ढक देंगे इसको भिगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दाल जो रखा था हमने, ये फूल चुका है। अब इसको मिक्सर में हम पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमको पीसना है और ज़्यादा पानी को ऐड नहीं करना है। हमको दाल को ज़्यादा महीन नहीं बनाना है, हमको मोटा ही रखना है, दरदरा। ये देखिए, हम पीस लिए, अब निकाल रहे हैं। देखिए ऐसे ही रखना है आप लोग को। ये है छिलके वाली दाल, इसको भी हम पीस लेंगे। अब देखिए, हमने ग्रीन वाली छिलके वाली दाल को भी पीस लिया अच्छे तरीके से। अब दोनों मिक्स करेंगे। दोनों मिक्स करके हमको आधा कढ़ी के लिए रखना है, आधा पकौड़ी के लिए हम रखेंगे। ये देखिए, अब हम पकौड़ी के लिए और कढ़ी के लिए, दोनों के लिए अदरक मिर्च लहसुन लिए हैं, इसको भी हम पीस लेते हैं। ये पकौड़ी का हमने लिया। इसको हमने पीस लिया, अब हम इसको भी हम ले लेंगे थाली में। ये देखिए, हमने ये कढ़ी के लिए रखा, इसको भी हम पीसेंगे। इसमें हम टमाटर भी यूज़ करेंगे, एक पीस हमने टमाटर को लिया है। फिर इसको भी हम पीसेंगे। ये देखिए, हमने पेस्ट बना लिए हैं। ये देखिए, हम नमक यूज़ कर रहे हैं पकौड़ी का, हम 1.5 टीस्पून नमक यूज कर रहे हैं। हम 1/2 टीस्पून जीरा लेंगे, फिर ये 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, ये हल्दी है 1/2 टीस्पून, फिर सारा ये धनिया है, हरी धनिया। फिर हम सारा मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम गैस की तरफ चलते हैं। वह तेल अब गर्म हो चुका है, फिर हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। ये देखिए, हम ऐसे ही पकौड़ी बनाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा फ्रेंड्स। एक एक पकौड़ी हमको निकाल लेना है। अब जो जो पकता जाए उसको हम निकालते जाएंगे। देखिए, हमने पकौड़ी को बना लिया इसी तरीके से सारा। फिर इसके बाद हम जीरा का तड़का लगाएंगे। ये मीठा नीम है, इसको भी हम तड़का में लगाएंगे। फिर इसके बाद हम तेज पत्ता और लाल मिर्च का तड़का देंगे। फिर हम हींग को भी ऐड करेंगे।
ये देखिए हम हींग को भी ऐड करेंगे तड़के में। हींग डालने से और स्वाद खुशबूदार हो जाता है। फिर इसके बाद हम अदरक मिर्च लहसुन जो पेस्ट बनाए थे वही ऐड करेंगे कढ़ाई में। फिर हम इसको नमक यूज करेंगे, 2-3 स्पून है। ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हम चलाएंगे। हमको मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए तेल छोड़ रहा है। अब इसके बाद हम जो रखे थे कढ़ी दाल, उसका कढ़ी बना के हम ऐड करेंगे कढ़ाई में। इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए उबाल आ रहा है। फिर हमको एक एक करके इसमें पकौड़ी को ऐड करना है। ये देखिए हम पकौड़ी को ऐड कर रहे हैं। पकौड़ी को हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम चलाएंगे ताकि पकौड़ी और कढ़ी दोनों मिक्स हो जाए और पकौड़ी मेरा सॉफ्ट हो जाए। देखिए कढ़ी मेरा तैयार हो चुका है। अब हम प्लेटिंग करेंगे। बन गई ना झटपट कढ़ी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।